ये 2019 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो आया है वो 2020 से लागू होना शुरू होगा। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो जलवायु परिवर्तन में क्या हर एक देश को क्या दायित्व निभाना है और हम दुनिया भर के जो संगठन है वो क्या दायित्व निभाएंगे, इसके बारे में काफी गहराई से साइंटिस्ट और अन्य लोगों ने बात किया है। तो ये 2019 का जो पर्यावरण दिवस है इसको हमें एक दिशा मोड़ने वाली दिन ऐसे हमें मान के आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहे ये सरकार हो और सरकारें हैं, उनके आइडियोलॉजी जो है सिर्फ एक आर्थिक विकास का है और वो आर्थिक विकास के जो तौर तरीके हैं वही पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री के जो ई सुविधा वेबसाइट में 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट सब जो है पर्यावरण को और जो जलवायु परिवर्तन में बहुत नुकसानदायक होंगे, मगर क्योंकि वही एक विकास का तौर तरीका समझ रहे हैं, सरकारें समझ रही हैं, जो उनके सलाहकार हैं वही बता रहे हैं, और इसके अलावा इसमें इन्वेस्टेड इंटरेस्ट भी है क्योंकि ये जमे हुए हैं, तो वही कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दिन में जब कोल इंडिया खुद कहता है कि जो है कोयले का भविष्य सही नहीं है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन को हमें रोकना है तो अगले 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 15 साल में हमें कोयला और ऐसे फ्यूल से हटके जाना पड़ेगा। और जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उनका जो रिपोर्ट बना है उससे ये पता चलता है कि अगले 10 साल में हम अगर अपना विकास के तौर तरीके नहीं बदलेंगे तो काफी हानि जो है लोगों को होने वाला है। अभी नया रिपोर्ट निकला है कि जितने ज्यादा जंतु जो है जो विलुप्त हो रहे हैं उसका पेस एकदम बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए एक तो हम कह सकते हैं कि एक क्लाइमेट और एनवायरमेंटल क्राइसिस में है और इसको कई जगह में जो है एक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कई देशों में और हमारे देश में भी जो है, और अभी देश दुनिया भर में मुहिम चल रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकारें और लोग समुदाय जो है इस पर काम करें। हमारा दूसरा बड़ा जो विडंबना है कि जो पूंजीवाद है वो फेल हो चुका है और वो उसके होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है और उसी को एक सोल्यूशन भी देखा जा रहा है, जबकि जो है हमें नए और क्या तौर तरीके हो सकते हैं, क्योंकि जो सही ढंग में जो हमें जमीन में काम करना है उसके लिए पैसे जो है कम है और ना के बराबर है, जबकि आप अगर देखेंगे कि जो पर्यावरण को नुकसान देने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके लिए व्यापक रूप में पैसे आज भी अवेलेबल है, जबकि ग्लोबली एक कैपिटल का क्राइसिस है। हमारे देश में भी हम देखेंगे कि 10,000 करोड़ से ज्यादा जो है लोन वापस नहीं हुए हैं, जो बड़े बड़े दो देश हैं वहां भी डेट का प्रॉब्लम है, और जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट्स वो कहता है कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ ऐसे क्राइसिस जो है 2019 के आखिरी में या 2020 में हो भी सकता है दुनिया भर में। तो तीसरा जो है हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो है जो यूथ है और खास करके हमारे देश के जो यूथ जिनकी जो है प्रपोर्शन बढ़ रही है वो बहुत ही जो है जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे काफ़ी दुखी है, उनको नया दिशा नहीं दिख पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमने चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस शुरू किए हैं, मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं, हम उतने उनको नौकरी भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और कई तो अभी हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है बंद होने के कगार में आ गए हैं। तो ये तीनों क्राइसिस से अगर हम गुजर के पर्यावरण को बचाना है तो सरकारें कभी शॉर्ट टर्म के लिए अपने जो टर्म है इलेक्शन के लिए उसी दायरे में रह गई है, और अभी समय आ गया है कि एक लंबे समय के बारे में सोचें
और वैसे परिवर्तन लाए ताकि लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण भी बचा रहे। आज के दिन में जो है विकास के दर बढ़ रहे हैं या विकास के दर जो है बढ़ता हुआ दिखा सकते हैं, मगर वो ना तो रोजगार दिला रहा है ना पर्यावरण को एक संतुलित तरीके में रहने के लिए अलाउ कर रहा है। तो जो नई सरकार आई है इसको अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके इसको नए सरकार को अच्छा मैंडेट मिला है। तो अगर ये समय में भी ये परिवर्तन नहीं आए तो मुश्किल है कि भविष्य में जितना हमने नुकसान किया होगा उसको वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाए।